नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम जो कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है नियोजन केमिकल लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 4,000 करोड़ का है। इसकी प्राइस चल रही है 1,500 रुपये और बुक वैल्यू 194 रुपये का है। मतलब ये हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी PE 77 है। अगर हम इसके PEs के साथ चेक करें तो 77 PE पिडिलाइट इंडस्ट्री को छोड़ के किसी का नहीं है। मतलब ये एवरेज पी से ज़्यादा चल रहा है, तो वैल्यूएशन हाई होने की वजह से इसमें बाइंग करना रिस्की रहेगा। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10.9% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.2। लेकिन इसके बावजूद FIS ने इसमें 0.17% की होल्डिंग बढ़ाई है और DIS ने 0.14% की घटाई है। EPS की ग्रोथ 3 साल की 17% से बढ़ रही है। और जैसे जैसे EPS बढ़ता है वैसे वैसे स्टॉक का PE कम होते रहता है। शेयर्स की ग्रोथ 30% से बढ़ रही है। प्रॉफिट भी 20% से बढ़ रहा है। मतलब सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है और EPS भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट कैप भी बढ़ते रहेगा। तो स्टॉक का प्राइस जो 1,500 का है और बुक वैल्यू इसका 194 का है वो भी बढ़ते रहेगा और स्टॉक का PE कम होते रहेगा। तो ये कंपनी स्मॉल कैप होने के बावजूद 0.17 का डिविडेंड यील्ड भी देती है। अगर हम इसके थोड़ा डिटेल में देखें तो ये कंपनी 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिकल जैसे कि ब्रोमाइन वगैरह और लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड तैयार करती है, जो कि लिथियम आयन बैटरी बनाने में काम आता है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होती है। अभी हम इसका रेवेन्यू देखें तो 75% इसका ऑर्गेनिक केमिकल से आता है और 25% इनऑर्गेनिक केमिकल से। 56% इसका डोमेस्टिक और 44% एक्सपोर्ट से आता है। और अगर हम इसका कैपेक्स देखें तो 150 करोड़ का कैपेक्स फिस्कल ईयर 2023 में इसका दहेज सहेज प्लांट में हो रहा है। और अगर हम इसका क्लाइंट देखें तो हिकाल लिमिटेड, किर्लोस्कर डिवीज लैब, वोल्टास, पिरामल, ऐसे सारे MNC है। और अगर हम इसका एक्सपोर्ट देखें तो 29 से ज़्यादा कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट होता है। R&D में इसके दो प्लांट है जिसमें 46 पीपल काम करते हैं और इनका फिस्कल ईयर 22 में 5 करोड़ का इनका स्पेंड था R&D में। और इन्होंने अभी जॉइंट वेंचर किया है धारा फाइन केमिकल इंडस्ट्री में, जिसमें ये 90% अपना स्टेक होल्ड करते हैं। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो सपोर्ट पे आ गया है ये अपने प्रीवियस, जिसकी वजह से इसमें और डाउनसाइड रिस्क कम दिखती है। 1,500 के पास इसका मेजर सपोर्ट है, जहाँ पर अगर ये मिलता है तो इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। अगर इसमें वॉल्यूम देखे तो फेबररी 2023 से इसमें 1,200 से 1,600 रुपये पर चला गया है। EPS कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और इसका जो PE है 120 से गिर के 60 पे आ गया है, जो कि इसका एवरेज माना जाता है। अगर हम इसका प्रॉफिट देखें तो 36% से बढ़ रहा है पिछले 5 साल में। वही अगर हम इसकी सेल्स देखें तो जून 2022 में 148 करोड़ थी, जो बढ़ के 170 हो गई है। और जो इसका मार्जिन है वो 70% पे स्टैटिक है। नेट प्रॉफिट 11% का स्टैटिक है और EPS 4.46 से 4.58 हो गए हैं। ईयरली बेसिस पे देखें तो 700 करोड़ का सेल जो अब तक का हाईएस्ट है। मार्जिन देखें तो 16% का है। नेट प्रॉफिट 50 करोड़ का है। और अगर हम इसका रिजर्व देखें तो 458 करोड़ जो अब तक का हाईएस्ट है। और बोरिंग देखें तो 370 करोड़ है, जो कि निग्लिजिबल है। अगर हम इसका नेट कैश फ्लो देखें तो -25 है। अगर हम ROC देखें तो 13% की है। FIS की होल्डिंग देखें तो 4.13 से बढ़कर 4.30 हो गई है और DIH के 2.01 20.01 से कम हो गया 19.87 हो गया है।